गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू दिस व्लॉग। एंड फाइनली वी आर गोइंग फॉर सानूज बर्थडे शॉपिंग। और आज मैंने दीप्ति ने सेम टी शर्ट पहना है, कलर अलग है जो दीप्ति मेरे लिए लेकर आई थी। दिस इज सेकेंड टाइम आई एम वेयरिंग इट। वो गाँव से रिटर्न आता हुआ मैंने पहना था। और आज दीप्ति को छुट्टी है क्योंकि महावीर जैसे हाई बोल दे तो मैं दीप्ति और निशु भी है और सानू भी है क्योंकि सानू के बर्थडे का शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो सानू कैसे नहीं आएगी, तो वी आर गोइंग टू गेट स्केटिंग फॉर सानू क्योंकि उसको कब से स्केटिंग चाहिए। तो डैडी बोले मेरे तरफ से उसको स्केटिंग गिफ्ट करा देना, लेकर आ जा। दीप्ति तो उसको गिफ्ट समझते हैं लेकिन उसे जाने के बाद हम तो देखेंगे। और मेरे और निशु की तरफ से तो उसका पूरा बर्थडे का स्पॉन्सर है। एंड प्लस उसको स्पोर्ट्स शूज़ या तो कोई भी ऐसा कैनवस शूज़, स्पोर्ट्स शूज़ जो भी उसको चाहिए वो हम लोग दिलाने वाले एज अ गिफ्ट। सो लेट्स सी, अभी हम लोग ने एक्चुअली हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं कैपिटल मॉल। तो मैंने रिक्शा मंगाया क्योंकि हम लोग तीन जन तो ऑब्वियसली ट्रिपल सीट बाइक पे नहीं जा सकते, और अगर निशु बाइक पे जाएंगे तो मुझे स्कूटी लेना पड़ेगा। और कैपिटल मॉल हमारे यहाँ से बहुत दूर है, ऑलमोस्ट आधा घंटा मुझे 30-40 मिनट्स तो मेरे स्पीड से मुझे स्कूटी चलाना पड़ेगा। और इतना धूप है तो मैंने निशु बोला सच हम लोग रिक्शा नहीं तो ओला करते, तो हम लोग रिक्शा से जाते हो रिक्शा से जाएंगे। क्या है कच्ची के लिए तेरे दांत गिरेगा क्या बर्थडे तक? मामा ये 10 रुपए का है। हाँ तो ठीक है ना, हम लोग वो 1 रुपए वाला भी मिलता है, 1 रुपए वाला अच्छा नहीं रहता। दिस इज नाइस, हाँ एंजॉय। और कल सानू का बर्थडे है और कल ही उसका स्कूल स्टार्ट होने वाला है। जो भी मेरे फ्रेंड है आ जाओ, तेरा ब्लॉग जाने तक तो तेरा बर्थडे होके भी चला जाएगा बिकॉज दिस ब्लॉग इज गोना गो लेट क्योंकि आज भी मैंने ब्लॉग एडिट ही नहीं किया। मैं आपको कैसे बताऊँ, मैं मेरे से बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो पा रहा है, घर काम और एडिटिंग नहीं हो पा रहा। इट्स बिकमिंग लिटिल डिफ़िकल्ट क्योंकि मम्मी को बहुत संभालना पड़ता है आप समझ सकते हो, दो पैर का नी ऑपरेशन है, फिर वो फिजियोथेरेपी वाली आती है शाम को 1 घंटा, तो उसके साथ खड़े रहना पड़ता है। तो चेक हाउ शी इज़ डूइंग, मम्मा का कितना प्रोग्रेस है, फिर वो वीडियो बना के मुझे डॉक्टर को जो मेन फिजियोथेरेपी वाली डॉक्टर है ना उसको भेजना पड़ता है, उससे अपडेट फॉलोअप करो, फिर टिफ़िन, दोपहर का खाना, रात का खाना, घर का काम, ज्वेलरी का। और मैंने इतने दिन हॉस्पिटल से बिल्कुल भी कुछ भी ज्वेलरी का किया नहीं ना, तो बहुत सारा बैकलॉग हो गया, बैकलॉग पेंडिंग में चला गया। तो वो सॉर्ट आउट करते 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 मेरा दिन चला जाता है। अभी तक तो मैं पार्सल भी डिस्पैच नहीं कर पा रही, तो सॉर्ट आउट में इतना टाइम चला गया है। अभी मुझे थोड़ा टाइम, और सानू का बर्थडे भी बीच में आ गया, तो आई थिंक अभी और 1-3-4 दिन जाएगा, उसके बाद आई विल सेटल डाउन एंड देन रेगुलर रूटीन स्टार्ट कर पाऊँगी। मॉल में आना बोले ना तो आपके पास, हाँ स्पोर्ट्स नहीं तो बटी नहीं घेतला दिखड़ू ना आपने लगता इतने दे थे जेब में पैसा हो खूब सारा। और इतने में हर शॉप रुक रुक के जाएंगे, तो फाइनली वी रीच वन शॉप, टोटल स्पोर्ट्स एंड फिटनेस ही रही, टोटल स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। तो यहाँ पे देखते हैं अभी सानू का स्केटिंग मिलता है या नहीं मिलता। पूना हे है किट है ना कि फक्त शूज है ना, अलग अलग सगळं इंडिविजुअल घ्यायला लागेल। मग हिच्या एजला कुठलं ऑप्शन आहे बघायला लागेल आता। हां नाही नाही स्टार्ट करते, अजून शिकली नाहीये ती। हां सानू इज द फुल एक्साइटेड फॉर अ बर्थडे शॉपिंग। हां ये तो हम लोग सानू के लिए बाद में लेंगे क्योंकि अभी ये तो बहुत नेक्स्ट स्टेज है। फॉर बिगनिंग तो उसको ऐसा वाला लेंगे जिसमें शूज डाल के, क्योंकि इसका ना क्या बोलते हैं व्हील्स को आप लूज टाइट कर सकते हो, तो इसलिए स्टार्टिंग में बिगनिंग स्टेज में यही ले रहे हैं। उसके बाद फिर सानू को हम लोग ये वाला जिसमें आप शूज के साथ है ये, लेकिन एक बार टाइट हो जाएगा तो फिर सानू नहीं पहन पाएगी। और ये तो एकदम एडवांस स्टेज है जिसको बहुत टाइम है सानू का भी। हाँ यू फर्स्ट स्केट लिटिल बिट, हाँ वो पहले चल, हाँ टर्न, हाँ इतना तो आ ही रहा है इसको, स्कूल में प्रैक्टिस किया है ना। स्केट एंड सी स्केट, अच्छा हाँ तो नाउ यू स्केट एंड सी ना, हाँ ऐसा स्केट कर थोड़ा, हाँ ये शूज वाला है विच इज़ मोर कम्फर्टेबल दिस और दैट वन। वो शॉप में सानू का देख के हो गया, नाउ वी आर फाइनली गोइंग इन डी कैटलॉन जो पूरा स्पोर्ट्स शॉप ही है जो हम लोग
दहीसर वाले मॉल में भी गए थे. सो नाउ वील चेक आउट हियर. उसके बाद जो सानू को पसंद आएगा वो फाइनल करेंगे. यहाँ पे भी काफ़ी ऑप्शंस है. दिस इज ओनली शूज़ का प्राइस 1799. सो लेट्स से अभी इसमें से सानू को कुछ पसंद आता है या फिर नीचे से पसंद आता है. सानू का स्केटिंग आर्ट तो हो गया फाइनली. नाउ शी इज़ वॉचिंग स्पोर्ट्स शूज़. देख रही हाँ अभी वो देख रही है इसमें से कौन सा लेना है. ऑप्शंस तो बहुत सारा दिखा उसको. नाउ लेट्स सी विच वन सानू इज गोइंग टू फाइनलाइज. भाग भाग के हम लोग आए कैसे भी. बराबर 1 बजे तो हम लोग घर में पहुंच गए. फटाफट खाना गर्म किया, खाना खा लिया और अभी 2:30 को सिर्फ मतलब 2:25 हो गया. अभी मैंने एक्चुअली चेंज कर लिया वो टी शर्ट. 2:35 हो गया है और अभी मैं, निशु और सानू हम लोग जा रहे हैं केक शॉप में सानू का केक बुक करने के लिए. उसको केक भी ना उसका आप लोग देखना उसने कौन सा वाला केक मंगाया, मैं आप लोग को ब्लॉग में दिखाऊंगी. उसको वही वाला केक चाहिए. सो अभी दीप्ति को बोला थोड़ा सा आराम कर या उसका अगर कुछ काम होगा तो वो कर ले. तब तक हम लोग ये करके आते हैं. फिर शाम को हम लोग को जाना है डी मार्ट सानू का बर्थडे का सारा सामान लाने के लिए. मंथली का ग्रॉसरी जो बचा है वो भी लाने के लिए. दोनों काम एक साथ हो जाएगा मेरा. और सानू के स्कूल में चॉकलेट्स अलाउड नहीं है. लास्ट ईयर भी मैंने चॉकलेट दिया था तो टीचर बोली चॉकलेट अलाउड नहीं, तो मैं पूरा रिटर्न लेकर आई. तो शीर्ले कि आप बिस्किट दे सकते हो कोई भी अच्छी कंपनी का, जैसे बॉनबॉन हो गया, ओरियो हो गया, कोई भी अच्छे ब्रांड का आप दे सकते हो विच इज़ सेफ़ फॉर किड्स. तो अभी वो उतना काउंट करके ओरियो बिस्किट मैं सोचूँ ओरियो बिस्किट ही दे दूँ क्योंकि मोस्टली बच्चों को वही पसंद आता है. तो शाम को फिर मैं और दीप्ति वहाँ जाएंगे. तो आज हम लोग का पूरा दिन ऐसे मतलब सानू का बर्थडे प्रिपरेशन भागम भाग में ही जा रहा है. हम लोग अभी कॉस्मोस के पास पहुँच गए जहाँ पे सुशांत का दीप्ति का रिसेप्शन शादी हुआ था. और हम लोग मोस्टली यहाँ से केक लेते, केक फॉर मी. मोस्टली हम लोग के सारे इवेंट में यहीं से केक है. सो लेट्स गो इनसाइड एंड सी सानू का केक कौन सा चूज करती है, फाइनल कौन सा करती है वो. आज हम लोग का गोल 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 ही हो रहा है. अभी 5:30 बजे हम लोग दोनों जन निकले. निशु तो चले गए काम पे, सानू गई है ट्यूशन, उसको नहीं लेके जा रहा. मैंने वो डीमार्ट में पूरा हंगामा कर देगी, मम्मा है गे, मम्मा थे गे, मम्मा थे गे. तो उसको नहीं लेके जा रहे. अब देखते हैं डीमार्ट में मुझे क्या क्या मिलता है. मंथली का ग्रॉसरी शॉपिंग है वो भी आई थिंक आई विल डू इट, या मैं शायद स्किप करूँ क्योंकि मुझे सानू का ही पहले सब इंपॉर्टेंस सॉर्ट आउट करना है. और आज 7 बजे आएगी फिजियोथेरेपी वाली, उसके पहले तो मुझे डाउटफुल लग रहा है कि मैं घर पहुँच जाऊँगी. और फिर मैंने मम्मा को बोला आज का एक दिन मैनेज कर लो. और खाना भी अब हम लोग कुछ सोचा नहीं क्या करने वाले. सुबह का तो हो गया, अब वो भी सोचना है कि रात का खाने का क्या करें. मतलब इतने दिन दीप्ति घर पे थी तो मेरे साथ में थी, भले बीच बीच में आती थी ज़्यादा, उसको काम पे से उठने नहीं मिला, पर एटलीस्ट वो घर में दिखती तो थी. अब वो गए कल से काम पे गई ना, कल पूरा दिन मेरा ऐसा गया ना, मतलब मुझे इतना उसका एब्सेंस फील हो रहा था कि वो घर में नहीं है. क्योंकि दीप्ति का रूम और किचन बाजू बाजू में है ना, मेरा रूम वो बाजू है, तो मैं पूरा टाइम उसको देखती ही रहती थी. तो कल काम पे चली गई, मैं सुबह उठ के जब आई ना तो वो नहीं थी. तो मेरे को बार बार मेरे दिमाग में वही घूम रहा था कि आज दीप्ति घर पे नहीं है. तो सोचो 3 महीने में इतना वो अटैचमेंट हो गया है. हो तो पहले से ही गया था बट अभी रहने आई है तो 3 महीने से कंटिन्यूस हम साथ में थे. 15 दिनों अभी तो उसका वर्क फ्रॉम होम भी बंद हो गया है. अब उसको फुल मंथ ऑफिस ही जाना पड़ेगा, सिर्फ सैटरडे संडे और बैंक हॉलीडेज मिलेगा जैसे आज मिला है, तो ही दीप्ति घर पे मिलेगी आप लोगों को, है ना. सो डीमार्ट का सामान है, कम होम अभी लग जाते खाना बनाने के लिए. इसको बाद में सॉर्ट आउट करते बिकॉज ये इतना अर्जेंट नहीं है. और ये क्या लाया ना मैं आपको थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ. सो द बर्थडे गर्ल इज रेडी टू सेलिब्रेट हर बर्थडे. हाँ नानू हाँ होगा, अभी फैन बंद किया है ना. मिडनाइट सेलिब्रेशन एंड देन बाद में वापस, है ना, है ना नानू.
वन टू थ्री फूक मारायचं पहिला. हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे डिअर सानू, हॅपी बर्थडे टू यू. ये बाबा ना दे मिसिंग काका आणि पप्पा ना आईचे पाय धुते म्हणून आई तिथूनच हॅपी बर्थडे कर जायला भरव. हां दे हॅपी बर्थडे सानू, हॅपी सेव्हन्थ बर्थडे. सेव्हन्थ बर्थडे, हॅपी बर्थडे. इकडे ये पापी ये जा. काका का भी हिस्सा काकी को खिला दे बाबू. काका काका का भी हिस्सा खिला दे. दे बाबा भरवतायत बनो. इज रिअली व्हेरी एक्साइटेड फॉर हर बर्थडे. तो मुझे तो उसने केक खिला दिया. नानो हैप्पी सेवन्थ बर्थडे. छोटी सी लिटिल प्रिंसेस हम लोग ही देखो 7 साल की हो गई. इतनी सी भी जैसे उसका बर्थडे पास आता है ना तो हम लोग को सब फ्लैशबैक होने लग जाता है कि सानू जब बॉर्न हुई थी तो कितनी छोटी सी थी. उसके काका के हाथ में, पप्पा के हाथ में और मामा के हाथ में थी. वो सब डेज मुझे याद आते हैं. द डे शी वॉज बॉर्न सानू सुबह, हाँ सुबह 9:30 बजे मॉर्निंग टाइम बॉर्न हुई, इसलिए उसको सुबह का नींद ज़्यादा है. तो नाउ वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट हर बर्थडे टुमारो. सो लेट्स सी कैसे क्या होता है. अभी फिलहाल से तो हम लोग ने सरप्राइज केक मंगाया था. जैसे केक आया ना नीचे से मुझे गेट से एंट्री आया कि केक आ गया, मैंने दीप्ति को इशारा किया. दीप्ति उसको लेके गई बेडरूम में और उसको स्केटिंग के इसमें पूरा बोलते ना ये करके एंगेज करके रख दिया था. केक आया, मैंने पेमेंट किया, लिया, छुपा के रख दिया. तो कुछ आइडिया नहीं था. अभी वो फ्रिज खोलने गई ना दूध देखने के लिए, तो बता रहे केक कहाँ से आ गया. तेरे लिए सरप्राइज आ गया बिकॉज शी वॉज एक्सपेक्टिंग कि हम लोग उसका मिडनाइट बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे. मैंने कहा नहीं कोई ज़रूरत नहीं, क्यों करने का, अभी तो हो गया, अभी तो 7 साल की हो गई, अभी क्या ज़रूरत है. तो लाइक नहीं मम्मा आई वॉन्ट टू डू. मैं बोला नहीं इस बार नहीं होगा, बाद में देखेंगे. ऐसे बोल के मैंने उसको कट कर दिया था क्योंकि मैं चाहती थी कि उसको अंदर से वो खुशी मिला. अगर उसको बोल देती ना हम लोग केक मंगाएंगे तो उसको इतनी खुशी नहीं होती. तो मैंने कहा नहीं उसको मना ही कर देते है ना. नानो सरप्राइज अच्छा लगा केक का क्योंकि हम लोग हर किसी का बर्थडे इतना अच्छा सेलिब्रेट करते तो हम लोग किसानों को कैसे पीछे रख सकते. जितना जो पॉसिबल होगा उतना. किसको खिला रही नानो? अच्छा खुद खा रही है वो अभी. केक सच में अच्छा है, फ्लेवर इज वेरी नाइस. मैंने मेहरवान से मंगाया था. तो काका से फोन आला, कॉल आले, कॉल आले. काका से हेलो. थैंक यू. केक खायला काका सांग? केक